हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग काफी लंबे टाइम के बाद एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है यहां पर मैं बात कर रहा हूं गाला प्रिस्यूजन इंजीनियरिंग लिमिटेड एंड इसके आने वाले आईपीओ की जानते हैं इस कंपनी के बारे में एंड इसके आने वाले आईपीओ के बारे में कहीं मत जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में गाला प्रिस्यूजन इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कंपनी एक महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है टू से इस बिजनेस में है एंड इस कंपनी के बारे में आगे जानने से पहले हम कुछ प्रिस्यूजन इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनीज के बारे में जान लेते हैं हमें जो ये इस सेक्टर की कंपनियां होती हैं ये काफी यूनिक कंपनियां होती हैं काफी यूनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं एंड जो ये इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पर हमें ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता बट जो इनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी होती है वो काफी बेटर होती है एंड जो ये कंपनियां होती हैं ये कंपनियां मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं इसका मतलब होता है दैट अगर किसी मशीन में इन कंपनीज के प्रोडक्ट लगे हैं एंड अगर उन प्रोडक्ट्स में कोई खराबी आ गई वो प्रोडक्ट चलना बंद हो गए तो फिर वो मशीन चलेगी नहीं जब तक आप उस प्रोडक्ट का डिफेक्ट दूर नहीं कर लेते जब तक आप उस प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं कर लेते उसको ठीक नहीं कर लेते एंड इसको हम बोलते हैं मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट एंड ये कंपनियां ज्यादातर केसेस में मिशन क्रिटिकल प्रोडक्ट ही बना रही होती है एंड इसी वजह से जो ये कंपनियां होती है इनका ऑल्टरनेट फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है आई I मीन mean, एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाने वाली दो प्रिसन इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनियां कमी देखने को मिलती हैं

एक्सपोर्ट सेल के थ्रू आती है जो ये कंपनी है इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है स्प्रिंग टेक्नोलॉजी फास्टनिंग सोल्यूशन सरफेस इंजीनियरिंग सोल्यूशन ऐसे ही जो इस कंपनी के स्प्रिंग टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट्स हैं, वहां से इस कंपनी की मोर देन 80% परसेंट रेवेन्यू आती है तो वी कैन सेगमेंट को कंबाइन करें तो यहां से इस कंपनी की मोर देन नाइनटी रेवेन्यू आती है अब सी क्लाइंट तो इस कंपनी के मोर देन वन हंड्रेड सेवेंटी फाइव है बट जो इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू है अप्रोक्सीमेटली फोर्टी एट परसेंट रेवेन्यू वो इस कंपनी की टॉप टेन क्लाइंट से आती है एंड जो ये कंपनी है ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को काफी डेवलप्ड कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है उन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है जो जाने जाते हैं अपनी इंजीनियरिंग के लिए जैसे कि ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है जर्मनी में डेनमार्क में चाइना इटली ब्राजील यूएस स्वीडन एंड स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज में ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है ये कंपनी अब अपना आईपीओ लेकर आ रही है आईपीओ पर्पज से इस कंपनी ने अपने आप को सिक्स हंड्रेड सेवेंटी पॉइंट ट्वेंटी फोर करोड़ रुपीज की वैल्यूएशन दी है I mean, आई मीन इस वैल्यूएशन पर यह कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है सो so, हमने इस कंपनी के बारे में जान लिया अब देखते हैं इस दैट जो इस कंपनी के फाइनेंशियल है वो इस कंपनी के बारे में क्या बताते हैं So, इसके लिए हम सबसे पहले इस कंपनी का एसेट बेस देखते हैं मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था 145 करोड़ रुपीस से ऊपर का अगले साल इस कंपनी का एसेट बेस ये 170 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस ये अप्रोक्सीमेटली 189 करोड़ रुपीस के आसपास है ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 148 करोड़ रुपीस के आसपास अगले साल इस कंपनी की रेवेन्यू बढ़कर 167 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई थी एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू ये 204 करोड़ रुपीज को क्रॉस कर गई है एंड ऐसे ही ये कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है पिछले तीन चार सालों में इस कंपनी ने प्रॉफिट ही जनरेट किया है मार्च 2022 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था सिक्स करोड़ रूपीज का अगले साल इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर ये चौबीस करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया है एंड मार्च टू में इस कंपनी का टोटल प्रॉफिट ये बाईस करोड़ रुपए के आसपास है आई मीन फाइनेंशियल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी में एक किस्म से इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो फ्लैट है ऐसे ही ये कंपनी अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट कर रही है मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश जनरेट किया था 11.6 करोड़ रुपीस का अगले साल ये 16 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है एंड मार्च 2024 में भी इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है अप्रोक्सिमेटली सिक्सटीन करोड़ रूपीज का है एंड करंट में इस कंपनी के बुक्स में मोर देन 55 करोड़ रुपीस की बॉरोविंग है एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन की बात करें तो ये कंपनी 19.86 परसेंट के एवेटा मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है 11.89 परसेंट के पैट मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है 23.59% की इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी है एंड 19.91% की इस कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड है सो so बेसिकली इस कंपनी का एसेट बेस बढ़ रहा है रेवेन्यू भी बढ़ रही है बट जो प्रॉफिट है एंड ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो पिछले दो सालों से एक किस्म से फ्लैट है स्टैटिक है बट आई मीन जो इस कंपनी के मार्जिन वो एक किस्म से इस इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनीज के मार्जिन है या तो थोड़े से कम है या फिर एट पार है विद अदर कंपनीज अब ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है आईपीओ लाने के इस कंपनी के चार पर्पज है एक तो है ये कंपनी कुछ कैपिटल एक्सपेंशन करेगी दूसरा है ये कंपनी कुछ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए पैसे खर्च करेगी तीसरा है ये कंपनी कुछ पैसे यूज करेगी डेट्स की रिपेमेंट के लिए एंड देन कुछ पैसे यूज होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेस के लिए आईपीओ से रिलेटेड एक्सपेंसिस के लिए एन अगर हम बात करें इस कंपनी तो का टोटल आईपीओ साइज सिक्स पॉइंट नाइनटी थ्री करोड़ रुपीज का इसमें से वन हंड्रेड थर्टी फाइव पॉइंट थर्टी फोर करोड़ रुपीज का फ्रेश इशू है बाकी ऑफर फॉर सेल है पांच से पांच रुपए का प्राइस बैंड है अट्ठाईस शेयर का लॉट साइज है इस साथ जो आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी फोर्टीन थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेल्व सेकंड सितंबर को कंपनी का आईपीओ ओपन होगा फोर्थ सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड नाइन सेप्टेम्बर को इस कंपनी की बोथ बी एंड एनएससी में लिस्टिंग होगी क्वेश्चन आता है क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं दैट जो ये प्रिजन इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनियां होती हैं इनके मार्जिन बड़े जबरदस्त होते हैं कंपनियां काफी यूनिक होती हैं इनकी रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली बढ़ रही होती है प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही होती है जो कि इस कंपनी के केस में थोड़ा सा कंसर्निंग लग रहा है आई I मीन mean, रेवेन्यू बढ़ रही है और जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन है वो पिछले दो सालों से ऑलमोस्ट सिमिलर है ऐसे ही जो इस सेक्टर की ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं वो कंपनियां आई I मीन mean, काफी सारी कंपनियां वो इस कंपनी से बेटर मार्जिन पर ऑपरेट कर रही है तो ऐसा भी नहीं है दैट इस कंपनी के अंदर कुछ ऐसा यूनिक है दैट जिसकी वजह से ये कंपनी फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी बट जो ये इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से यूनिक हैं एंड ये हमें नॉर्मली देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर सेक्टर में बिकॉज इस सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं दो कंपनियां एक जैसे प्रोडक्ट्स बनाए ऐसा हमें नॉर्मली कभी देखने को मिलता है तो आई I मीन mean, इस कंपनी में एक यूनिकनेस है बट जो वो यूनिकनेस है बाकी अदर यूनिक कंपनी के कम्पेरिजन में इतनी प्रॉफिटेबल नहीं है मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करने वाला मेरे डिसीजन के बेसिस पर आप अपना डिसीजन बिल्कुल मत लें बिकॉज आज की डेट में आईपीओ का एक मैड्रेस चल रहा है एंड अगर आपको इसके अलॉटमेंट मिली तो ये भी हो सकता है दैट आपको अच्छे खासे लिस्टिंग गेन मिल जाए बट अगेन अपना डिसीजन सोच समझ कर लें एंड अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक like शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू